हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट। मैं हूं श्रद्धा पांडे। क्रिकेट एक ऐसा नाम, चाहे वो क्रिकेट के दीवाने हो या नहीं हो, इस स्पोर्ट को सभी लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर आपको हम बताएं क्रिकेट के फॉर्मेट्स के बारे में, तो देखिए क्रिकेट में तीन फॉर्मेट्स होते हैं जिस पर क्रिकेट खेला जाता है, जो कि होता है एक टेस्ट, जो कि आप जानते हैं कि पांच दिवसीय मैच जिसमें चलता है, यानी पांच दिन का यह बड़ा ही लंबा, बहुत ही लंबा जो है फॉर्मेट रहता है। वहीं अगर हम बात करें वनडे की, तो वनडे में आप जानते हैं कि 50 ओवर्स का मैच होता है। और अगर वहीं हम बात करें T20 की, तो T20 में 20 ओवर का ही जो है मैच होता है और 20 ओवर्स तक ही खिलाड़ियों को प्रदर्शन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि आप जानते हैं ऋषभ पंत, जॉनी बेस्टो, इन खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में ही T20 वाली पारी खेली है, यानी बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ पारियां इन्होंने खेली है। वही अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की तरफ से आप जानते हैं चेतेश्वर पुजारा, जिनको उनकी गति के लिए, यानी आप जानते हैं काफी ज्यादा स्लो खेलते हैं चेतेश्वर पुजारा, इसीलिए उनको ये कहा जाता था कि भाई चेतेश्वर पुजारा को आप जो है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खिलाइए, और अभी लिहाजा चेतेश्वर पुजारा जो है टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में आपको जो है काफी ज्यादा धीरे खेलना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें T20 क्रिकेट की, तो T20 जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको थोड़ा सा तेजी से खेलना पड़ता है। लेकिन जैसे अभी हमने वीडियो में नाम लिया कि ऋषभ पंत और जॉनी बेस्टो ने, अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से ताबड़तोड़ पारियां उन्होंने खेली थी, ऋषभ पंत और जॉनी बेस्टो दोनों ने, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है वो इतिहास के ऐसे तीन बल्लेबाज जिनको गेंदबाजों का बिल्कुल भी खौफ नहीं था, यानी इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने करी और जिनको गेंद लगने का खुद पर बिल्कुल भी खौफ नहीं था। तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए और स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर तीन, क्रिस गेल। घातक बल्लेबाजों की बात हो और क्रिस्टोफर हेनरी गेल का नाम ना आए, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? क्रिस गेल की गिनती दुनिया के सबसे घातक बल्लेबाजों की सूची में बड़े अदब से लिया जाता है। क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, गेल के खेलने का स्टाइल एक जैसा ही रहा। गेल ने T20 क्रिकेट में जैसा तूफान मचाया, वैसे ही वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने किया। T20 में उन्होंने RCB के लिए IPL में नाबाद 175 रन बनाए, जो आज भी सब याद करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 13 शतक ही है। ज्यादातर मौकों पर क्रिस गेल खड़े होकर छक्के जड़ने में विश्वास रखते थे। गेल तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर, दोनों को एक तरह से ही मारते थे। क्रिस गेल के स्टैट्स पर नजर डालें, तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 103 टेस्ट मैचों में 7215 रन बनाए, 42.19 की शानदार औसत और 60.28 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 1046 चौके और 98 छक्के भी जड़ने का रिकॉर्ड है। गेल के वनडे स्टैट्स देखें, तो उन्होंने 301 वनडे मुकाबलों में 37.7 की औसत और 87.2 की स्ट्राइक रेट से 1128 चौके और 331 छक्कों की मदद से 10,480 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें, तो उन्होंने 79 मैचों में 1899 रन बनाए हैं, 27.93 की औसत और 137.51 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने T20 इंटरनेशनल में रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में गेल ने 158 चौके और 124 छक्के जड़े हैं। नंबर दो, सर विवियन रिचर्ड्स। एक वक्त वेस्टइंडीज टीम का क्रिकेट में काफी दबदबा था, वजह थे उनके धाकड़ खिलाड़ी। 70 से 90 के दशक के बीच में सर विवियन रिचर्ड्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में राज किया। रिचर्ड्स की गिनती उन बल्लेबाजों में होती थी जिनसे दुनिया का हर एक गेंदबाज खौफ खाता था। टेस्ट क्रिकेट में जहां बल्लेबाज डिफेंस पर ज्यादा ध्यान देते थे, उस समय रिचर्ड्स तूफानी बल्लेबाजी करते थे। उन्हें गेंदबाज या अन्य किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। रिचर्ड्स के खेलने की शैली ऐसी हुआ करती थी कि मानो जब तक क्रीज पर रहेंगे गेंदबाजों की पिटाई करेंगे। यही वजह है कि उनकी गिनती दुनिया के सबसे घातक बल्लेबाजों में होती है। अपने पूरे करियर में रिचर्ड्स ने वनडे और टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अगर सर विवियन रिचर्ड्स के स्टैट्स देखें, तो उन्होंने टेस्ट में 121 मैचों में 86.07 की स्ट्राइक रेट और 50.24 की औसत से 8,540 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 1,051 चौके
और 84 छक्के लगाए। वहीं वनडे क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 187 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 6721 रन दर्ज है, 47 की औसत और 90.20 की शानदार स्ट्राइक रेट से रिचर्ड्स ने वनडे क्रिकेट को खेला। वनडे में उनके नाम 600 चौके और 126 छक्के मारने का रिकॉर्ड है। क्रिस गेल का नाम लिस्ट में नंबर 3, विव रिचर्ड्स नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पर कौन? नंबर 1 वीरेंद्र सहवाग। इन दिनों सोशल मीडिया पर सहवाग काफी एक्टिव है और काफी बेबाकी से अपने मन की बात रखते हैं। सहवाग को अगर कुछ कहना हो तो वो आओ देखते हैं ना ताओ। उसी तरह जब वो खेला करते थे तब भी ये नहीं देखते थे कि गेंदबाज कौन है और बस पिटाई करने में विश्वास रखते थे। वीरेंद्र सहवाग को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो कितने रनों पर खेल रहे हैं, वो बस आक्रामकता से अपने खेल को खेला करते थे। यही वजह है कि वो इस लिस्ट में टॉप पर है। कम से कम 5000 रन बनाने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों की सूची में सहवाग का स्ट्राइक रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। बहरहाल अगर सहवाग के स्टैट्स पर नजर डालें तो उन्होंने 104 टेस्ट मैचों में 8586 रन, 49.34 की औसत और 82.23 की स्ट्राइक रेट से बनाए। सहवाग ने 1233 चौके और 91 छक्के भी जड़े। वनडे आंकड़ों पर नजर डाले तो उन्होंने 251 मैचों में 35.06 की औसत, 104.34 की स्ट्राइक रेट से 8273 रन बनाए। वनडे में वीरू ने 1132 चौके और 136 छक्के जड़े। वीरेंद्र सहवाग के T20 स्टैट्स पर नजर डाले तो उन्होंने 19 T20 मैचों में 394 रन बनाए। T20 में उनकी औसत 21.89 की तो वहीं स्ट्राइक रेट 145.39 की रही। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 43 चौके और 16 छक्के लगाए।